हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बनाएंगे काले चने की सुपर टेस्टी और इजी सी सब्जी, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। और जब कोई सब्जी समझ में ना आए, हरी सब्जी खा खा के बोर हो जाओ, तो ये काले चने की सब्जी एकदम बेस्ट रहेगी, जिसे आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हो। तो सबसे पहले लेंगे ओवरनाइट सोक्ड काले चने। ये लगभग 7 से 8 घंटे भिगे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और रात को भिगोना आप भूल चुके हो, तो 4 से 5 घंटे तो कम से कम आपको इन्हें भिगोना ही पड़ेगा। इसी के साथ पानी डाल देंगे, जो कि चनों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। साथ में हल्दी, नमक और थोड़ा सा घी डाल के 4 से 5 विसल्स तक इसे पका लेना। कुछ लोग इस सब्जी में आलू डालना भी पसंद करते हैं, तो अगर आपको भी डालना है तो पूरा आलू छील के चनों के साथ ही डाल देना, तो वो भी अच्छे से पक जाएगा। अब एक मिक्सर जार में लेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और जो चने बॉईल किए थे थोड़े से, वो भी डाल देंगे, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनेगी। इसी के साथ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल देंगे। इन सब चीजों की क्वांटिटी जितनी आप सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब कढ़ाई में लेंगे तेल, साथ में डालेंगे जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्च, 1-2 टुकड़े दालचीनी के और काली मिर्च। अब जो पेस्ट बनाया था उसे भी यहाँ पे डाल के अच्छे से पकाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक। फिर डालेंगे टमाटो प्योरे, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को पीस लिया था। साथ में नमक डाल देंगे जिससे कि ये बहुत जल्दी पक जाएगा, और थोड़ा पानी डाल के ढक के इसे पकने देंगे 10 मिनट लो फ्लेम पे, जब तक कि सारा ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। बस अब जो काले चने बॉईल करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हो, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से। बस 10 मिनट के लिए इन चनों को और उबाल लिया, और अब डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि है चना मसाला। तो 1 से 1.5 चम्मच चना मसाला डालेंगे, 1/2 पौन चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। बस अब एक आखिरी काम बचा है, तड़का लगाएंगे जिससे कि इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो ऑयल में थोड़ी हरी मिर्च, अदरक, कसूरी मेथी, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि कलर बहुत सुंदर हो जाएगा, और इसे सब्जी में मिक्स कर लेंगे। फिर हरा धनिया डालेंगे और ये लो आपकी सुपर टेस्टी और अमेजिंग सी सब्जी एकदम तैयार है। घर में सबको पसंद आएगी इस तरीके से बनाओगे तो। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज। बाय।